हेलो लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ऐसे तिगड़म नहीं करी है, छोटा सा है, एक शैडो, एक आई शैडो है, एक शिमर है एंड दैट्स इट। आप इसको कोई भी कलर के साथ आप कर सकते हो। जैसे मैंने येलो, मेरा आउटफिट येलो है, मैंने येलो लगाया। आपका ग्रीन है तो आप ग्रीन लगा सकते हो, आपका पर्पल है पर्पल लगाओ, एनी कलर That you want। अगर आपको जैसे अगर मेरा येलो आउटफिट है, इसमें रेड डिटेलिंग है, मैं रेड भी लगा सकती थी एंड आप कुछ भी कोई भी कलर का लगा सकते हो एंड सब पे ये सुंदर ही लगेगा। जस्ट यू नो मिक्स एंड मैच एंड इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। तो ये वाला लुक मैं रक्षाबंधन पे करने वाली हूँ विथ दिस सेम आउटफिट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। तो मैंने अपना फेस अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लिया है एंड उसके बाद हम करेंगे मॉइस्चराइज अपने फेस को एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी दिस पॉन्स लाइट मॉइस्चराइज़र, टेकिंग स्मॉल अमाउंट। मेकअप से पहले स्किन प्रेप इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप, आपका जो बेस है वो अच्छा दिखे, तो स्किन प्रेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र के साथ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र के साथ आप फेस ऑयल भी लगा सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। डे टाइम लुक है तो आप सनस्क्रीन ऐड करो। फॉलोइंग अप विद अ लिप बाम एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन लिप बॉम इन द शेड बबल गम। एंड इसके बाद मैं 2 मिनट वेट करूंगी ताकि जो हमने मॉइस्चराइजर लगाया है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड 2 मिनट हो चुके हैं एंड मेरा मॉइस्चराइजर अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई अ प्राइमर, दिस इज़ द इनसाइड 3-in-1 प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो आपके जो पोर्स हैं उनको ब्लर आउट करता है, साथ में आपकी जो स्किन टेक्सचर है उसको भी हाइड करता है, इससे आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस लगे। प्राइमर लग गया है, इसके बाद मैं करूँगी कलर करेक्ट। आप कलर करेक्ट ऑरेंज करेक्टर से, यानी कि ऑरेंज कंसीलर आता है उससे कर सकते हैं, या अगर आपके पास रेड लिपस्टिक है जो आप यूज़ नहीं करते या उसका टेक्सचर आपको पसंद नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप एकदम रेड ऐसे ऐसे लगा लो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा फिंगर पे लो उसको, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा फिंगर पे लो और उसको हल्का हल्का लगाओ। कलर करेक्टर के लिए आप एक अपने शेड से डार्कर कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, डार्कर कंसीलर या फाउंडेशन। जैसे कभी होता है हम शेड रॉन्ग मंगा लेते हैं, डार्क आ जाता है हमारी स्किन से फाउंडेशन, तो उसको आप एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। अगर लाइट आ जाता है तो उसको एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आज मैं कलर करेक्टर के लिए यूज़ करूँगी ये इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट एंड मैं शेड लूँगी ये बीच वाला जो ऑरेंज है एंड इससे मैं कलर करेक्ट करूँगी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। करेक्शन का फ़ायदा ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन या आप कंसीलर लगाते हो वो ग्रे ग्रे हो जाता है जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस है, तो आपको ज़रूरत है, इससे पता लगता है कि आपको ज़रूरत है कि आप कलर करेक्ट करो। जो ऑरेंज कलर करेक्टर है तो जो हमारी डार्कनेस है उसे कैंसिल आउट कर देता है वो, जिसे जब हम अपना फाउंडेशन लगाएंगे अपने शेड का तो वो सारा इक्वल हो जाएगा। जैसे आप अब कलर करेक्शन भी हो चुका है, इसको हम 2 मिनट के लिए सेट होने देंगे ताकि हमारे फाउंडेशन के साथ मिक्सअप होके हमारा फेस ऑरेंज ना कर दे। तो इसको हम थोड़ा वेट करेंगे इसके यू नो सूखने और स्किन में थोड़ा सेटल डाउन होने का। 2 मिनट हो चुके हैं, कलर करेक्टर अच्छे से सेटल डाउन हो गया है मेरी स्किन में। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, ये शेड नंबर 04 में है, डिसेंट मैच है एंड मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड करने के लिए
ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ करो तो ध्यान रखना कि उसको मतलब हम हमेशा वेट करके मतलब पानी के नीचे रख दो आप, और उसको स्क्वीज़ करो और फिर बाहर निकाल के उसको दोबारा स्क्वीज़ कर दो, सारा पानी उसका अच्छे से निकाल दो, उसके बाद आप उसे यूज़ करो। मैं आज ब्रश यूज़ करूँगी। तो फाउंडेशन मेरा लग चुका है, अब हम लगाएंगे कंसीलर। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ कलर्स क्वीन का लिक्विड कंसीलर। एंड मैं इसको इस ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। इसको हम ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसे ना करें, हम इसको डैब डैब मोशन में ही हम ब्लेंड करें। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली आप उसको ऐसे कब करते ही नहीं है, हमेशा डैब डैब से ही डैब डैब मोशन से आप उसे अप्लाई करते हैं। बट अगर आप ब्रश भी यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ब्रश से भी उसको डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करें। स्पेशली कंसीलर को हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेंड करना चाहिए। कंसीलर भी लग गया है, अब हम इसको कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ गाला ऑफ लंदन का लूज पाउडर, थोड़ा सा लेके और पूरे फेस को अच्छे से सेट कर देंगे। सबसे पहले हम वहाँ सेट करेंगे जहाँ हमने कंसीलर लगाया, क्योंकि कंसीलर सबसे ज़्यादा जल्दी क्रीज करता है, स्पेशली अंडर आइज़ पे। एंड उसके बाद हम बाकी का फेस सेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का ब्राउ परफेक्ट आईब्रो इन्हेंसर। सबसे पहले स्पूली से हम अपने ब्राउज को कॉम्ब आउट कर लेंगे, एंड उसके बाद जो स्पार्स एरियाज हैं सिर्फ उनको सिर्फ उसको हम फिल कर लेंगे। एंड आई एम डन विद माई ब्राउज एज वेल। मैं ये चीज़ भूल गई कि मुझे आई मेकअप पहले करना था, क्योंकि जो आज लुक करेंगे हम उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारा जो बेस हो आई शेडो का वो थोड़ा टैकी हो, जो कि हम कंसीलर लगाने के बाद जैसा होता है, ताकि जो आई शेडो है वो अच्छे से स्टिक हो सके। बट इट्स ओके, हम इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, अपना कंसीलर लूँगी और इनर कॉर्नर्स पे ऐसे करके ना इतनी जगह पे मैं कंसीलर लगाऊंगी। लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ दिस हिलरी रूडा आई शेडो पैलेट इन 02। एंड इसमें से मैं क्या करूँगी, एक इस टाइप का टेपर्ड ब्रश लूँगी, और जो ये येलो शेड है इसको मैं इनर कॉर्नर्स पे कंसीलर के ऊपर लगाऊंगी। पूरे में नहीं लगाना है, सिर्फ इतने पार्ट। आप जितना मर्जी उसे इंटेंस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कंसीलर थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको जहाँ पे आई शेडो नहीं लगाना है वहाँ पे फिंगर से ही कंसीलर को ब्लेंड कर दो, और अच्छे से आप उधर येलो आई शेडो लगाओ। आई शेडो दिखना चाहिए, एंड आप चाहो तो थोड़ा सा उसे ऐसे करके हल्का हल्का इनर साइड में ब्लेंड भी कर सकते हो। लाइक दिस, सेम हम दूसरी आई पे भी करेंगे। अगर हम येलो आई शेडो डायरेक्ट ऐसे ही लगाते बिना कंसीलर लगाए तो ये जितना अभी शो अप हो रहा है उतना नहीं होता, क्योंकि जो येलो शेडो है वो थोड़ा लाइट है और वो शो अप ही नहीं होता बेसिकली। हमने किया कंसीलर जहाँ हमें नहीं चाहिए आई शेडो वहाँ हमने कंसीलर ब्लेंड कर दिया, एंड बाकी में हमने आई शेडो लगा लिया है। थोड़ा सा इनर साइड में हल्का हल्का ब्लेंड कर देंगे,
एंड आप चाहे जितना चाहे उतना इंटेंस कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक ये इस टाइप का ब्रश लूँगी, इससे मैं यूजुअली इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करती हूँ, और मैं ये जो गोल्डन शैडो है इसको लूँगी, एंड जहाँ पे हमने येलो लगाया उसमें पूरे में नहीं लगाना, थोड़े पार्ट में लगाना। सिर्फ इतना हल्का सा। कैन यू सी दैट शाइन? सिर्फ उतना ही हमें लगाना है, ज्यादा नहीं। दूसरे साइड भी। बाद में लगाऊंगी विंग्ड आई लाइनर, ठीक है, दोनों आंखों पे लगाएंगे लाइनर। मैं यूज कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का अल्टाइम प्रो मैट प्ले आई लाइनर, एंड मैं एक विंग बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू योर आई शेप, आप जैसा मर्जी विंग बना सकते हैं। एंड मेरा लाइनर लग चुका है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, बहुत ज़्यादा यू नो ठीक है, जैसा भी लगा है। एंड या दैट्स इट फॉर द आई लुक। इसके बाद आप चाहो तो लैशेज लगा सकते हो। आई गेस मैं लैशेज लगाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपल मस्कारा के साथ भी मतलब वहीं पर ख़त्म कर सकते हो आई लुक को मस्कारा लगाने के बाद। इसके बाद मैं कर्ल करूंगी अपने आई लैशेज को। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। लेट्स सी कि हमें ज़रूरत पड़ती है लैशेस की या नहीं। दिस इज हाउ द लुक लुक्स लाइक, लुक्स प्रिटी। आप चाहो तो कम्प्लीटली लैशेस स्किप कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, बट मुझे प्रिटी लग रही थी सो आई अप्लाइड इट। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ब्रॉन्जर, एंड ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट, उसमें से मैं लूँगी ये वाला शेड, एंड इसको लेके जस्ट अप्लाई ऑन माय फेस। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लश सेम पैलेट से, मैं यूज़ करूँगी दिस कलर राइट हेयर, थोड़ा सा लेके आई एम गोना अप्लाई हाइलाइटर दिस। एक बार फिंगर से भी ब्लेंड करेंगे हम इसे, थोड़ा सा फोरहेड पे, बाय थोड़ा सा के नीचे, एंड अगेन फोरहेड पे, एंड एंड हाइलाइटर भी लग चुका है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, एंड मैं अप्लाई कर रही हूँ NYBX शक्ति कलेक्शन से ये लिपस्टिक। दिस इज अ वेरी प्रिटी न्यूड। द लुक, इसके बाद जस्ट मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूंगी। एंड दैट्स इट, एंड आई एम डन विद द लुक। दिस इज हाउ, मैंने अपने बाल कॉम नहीं करे, बस ऐसे ही छोड़ दिए हैं, एंड मैंने ये इयर रिंग्स ऐड किए हैं जस्ट टू मैच दीज एंड वॉच, एंड दैट्स इट। ये लुक सिंपल भी है
लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा यू नो पॉप ऑफ कलर भी है. मतलब आप आराम से बिना आप ये सोचे कि ओ माई गॉड इतना सारा मेकअप एंड ऑल, बिना सोचे आप ये कर सकते हो. आईलैश नहीं लगानी, आप मत लगाओ, सिर्फ मस्कारा लगाओ एंड ख़त्म. एंड यू नो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, अगर आपको यू नो फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना है तो भी आप अपने शेड का कंसीलर लगाओ, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो एंड दैट्स इट. बहुत ज़्यादा अगर आप बेस वगैरह नहीं करना चाहते, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर से भी आप कर सकते हो. एंड बट हाँ, अगर जैसे आपका आउटफिट येलो है तो मैंने तो आप येलो कर सकते हो. अगर आपका ग्रीन है तो यू नो आप जैसे आप ग्रीन पहना है तो आप ये डार्क ग्रीन कलर ले सकते हो, कंसीलर के ऊपर लगा सकते हो. एंड उसके बाद ये जो शिमर ग्रीन है इसको उसके ऊपर अप्लाई कर दो, जैसे मैंने येलो के ऊपर गोल्डन किया है. वैसे ही आप ऑरेंज है अगर आपका तो ऑरेंज अप्लाई करो, उसके ऊपर गोल्डन ऑरेंज शिमर अप्लाई कर दो. मतलब आप सेम लुक डिफरेंट कलर के साथ कर सकते हो, सारे ही कलर्स में बहुत सुंदर लगेगा ये. एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा यूनिक लगा हो एंड हेल्पफुल लगा हो. एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना. ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो भी मैंने आप आज प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.